बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चटपटा रंगीन में मैं हूँ आपकी शेफ अफशा नसरुल्ला। व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं मछली का सालन। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि इनके मछली के सालन से एक नागवार सी बू आती है, जिसकी वजह से वो मछली का सालन नहीं बनाते। अगर तो आपको फ्राइड फिश पसंद है तो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, मैं ऊपर इसका लिंक दे दूंगी, आप जरूर बनाइए। लेकिन अगर आप सिर्फ इस नागवार बू की वजह से मछली का सालन नहीं बनाते तो आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आइंदा आपके घर मछली का सालन जरूर बनेगा। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 2 किलो मछली। इसको सिरका और नमक लगाकर कुछ देर के लिए रख दें, फिर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके अलावा हमें चाहिए बेसन 3 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून। ये मसाला हम मछली पे लगाएंगे। चटनी के लिए हमें चाहिए लहसुन 8 से 10 जोए, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, प्याज 2 दरमियाने साइज की, हरी मिर्च 2 से 4 अदद, हरा धनिया 1 गड्डी। और मसालों में हमें चाहिए होगा नमक 1/2 टेबल स्पून, नमक क्योंकि हम मछली पे पहले भी लगा चुके हैं इसलिए नमक कम रखिए, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून और भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, भुना कुटा सफेद जीरा 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, टमाटर की प्यूरी 1 प्याली। ये 4 से 5 टमाटर लेकर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। दही 1 प्याली, सिरका 2 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टेबल स्पून, मेथरे 1/2 टेबल स्पून, इसको मेथी दाना भी कहते हैं और मेथरे भी, कलौंजी 1/2 टेबल स्पून, कड़ी पत्ते 10 से 15 अदद। ये तो था सारा सामान, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में नमक, लाल मिर्च और हल्दी डाल लें, इसमें बेसन भी मिक्स कर लें और मछली के पीसेस पर एक एक कर लगा कर रख लें। मसाला लगे पीसेस के ऊपर से सिरका भी डाल लें और 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दें। अब चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक ब्लेंडर लेकर इसमें प्याज को 4 टुकड़ों में काट कर डाल दें, फिर धनिया डालें, हरी मिर्चें और इसके बाद लहसुन और अदरक भी डाल लें और थोड़ा पानी डालकर इसकी चटनी पीस लें। अब मछली के पीसेस को फ्राई करने के लिए पैन में तेल डाल लें। तेल गर्म हो जाए तो मछली के पीसेस एक एक करके इसमें डालती जाएं। एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो पलटकर दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लें और निकालकर एक तरफ रख दें। अब दूसरी पतीली चूल्हे पर रखें और जिस तेल में हमने मछली फ्राई की थी उसी तेल को पतीली में डाल लें। अब हम मसाला तैयार करेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें अजवाइन, मेथरे, कलौंजी और कड़ी पत्ते शामिल करके फ्राई करें। खुशबू आने लगे तो जो चटनी हमने पीस कर रखी थी उसे शामिल कर दें और उसे पकने दें। तकरीबन 10 से 12 मिनट में चटनी का पानी सूख जाएगा। उसे मुसलसल हिलाते हुए भून लें। फिर इसमें खुश्क मसाले शामिल कर लें, जिनमें है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, सफेद जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च। इसे भी थोड़ी देर भून लें और साथ ही शामिल करें टमाटर प्यूरी और मसाले को अच्छी तरह भून लें। टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो दही शामिल कर दें और उसे मजीद भून लें। जब तेल अलग हो जाए तो इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके शोरबा बना लें। पहले तेज आग पर ढककर 5 मिनट के लिए पकने दें, फिर आग हल्की करके इसमें मछली के पीसेस शामिल कर दें। ढककर 10 मिनट दम वाली आग पर पका लें। लीजिए, हमारी मछली का सालन
तैयार है, चाहे नान के साथ खाएं या उबले हुए चावलों के साथ, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलूंगी फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।